हम इस वक्त तिकुनिया गांव में मौजूद है और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि 3 अक्टूबर जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, ये वही जगह है जहां पे 4 किसानों को थार जीप ने कुचलकर मार दिया था। दिखाता हूँ आपको अपने पीछे की घटना के निशान अभी भी इस जगह पे मौजूद हैं। जो वीडियो वायरल हुए थे उन वीडियो में भी यही जगह थी। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जले हुए जो अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जूते जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक स्थानीय निवासी भी हैं यहाँ के, मैं उनसे बात करूंगा। दादा, पूरी घटना आपके संज्ञान में थी, क्या कुछ हुआ था? मैं यहाँ मौके पर मौजूद तो था नहीं जी भाई। जानकारी के मुताबिक, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है कि जो है गाड़ी जा रही थी और उस पर लाठी डंडे से वार हुआ जी गाड़ी पर, तो निश्चित है कि ड्राइवर डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो भी सामने आया भाई, ड्राइवर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, यही हुआ। दादा, संख्या लगभग कितनी रही होगी किसानों की? अब मैंने बताया कि मैं यहाँ मौजूद नहीं था। तो कुल मिला के मैं दिखाता हूँ आपको अवशेष, यहाँ पे अभी भी जो अवशेष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जूते के निशान यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जली हुई जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के वही जगह है जहाँ पे 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान एक घटना हुई थी जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी, जहाँ 4 किसानों को एक जीप ने कुचल दिया, जिसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। इसी तरह की खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। चुनावी मौसम है तो हम इस वक्त लखीमपुर में मौजूद हैं, लगातार हम यहां पे बताते रहेंगे कि चुनावी बिगुल क्या कह रहा है, लोगों का, जनता का मूड क्या है। बिजनेस बाबूलाल के साथ उमंग पांडे, डेली इंसाइडर, लखीमपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।